आप कमा सकते हैं $1,000 या उससे भी ज्यादा बिना किसी वेबसाइट, बिना किसी स्किल और बिना किसी पेड टूल या इन्वेस्टमेंट के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोडॉक्स पे। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो एक और तरीके के बारे में है, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं एक सीरीज बना रहा हूं जिसमें मैं आप लोगों से ऐसे तरीके शेयर करता हूँ अफिलिएट मार्केटिंग के, जिसमें आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, किसी स्पेसिफिक स्किल की ज़रूरत नहीं, किसी वेबसाइट की ज़रूरत नहीं। आप उससे आसानी से अर्निंग कर सकते हैं और बाद में आप उसी अर्निंग के थ्रू पेड टूल्स ले सकते हैं, अच्छी बढ़िया होस्टिंग ले सकते हैं, एक वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं और अपना एक लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम सोर्स डेवलप कर सकते हैं। तो आज का ये तरीका बहुत अनोखा है, क्योंकि जो वेबसाइट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अगर उस ट्रैफिक का 1% भी आप कन्वर्ट कर ले जाते हैं तो आप $1,000 से ज़्यादा की सेल्स कर ले जाएंगे। और इसके लिए आपको कोई भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, कोई कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा इस वीडियो में, लेके चलूंगा अपने स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा, जिसको फॉलो करके आप ये अर्निंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं और बहुत आसानी से $1,000 से भी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। बट अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह के और भी बहुत सारे तरीके मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं और मैं नहीं चाहता कि आप उनमें से कोई भी तरीका मिस करें। क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसी एक तरीके से आपको सक्सेस मिल जाए और आप अर्निंग करने लग जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कुछ अलग अलग तरीके ट्राई करने पड़ते हैं और कुछ उसमें से कोई एक ऐसा तरीका हिट कर जाता है जो कि आपको एक बहुत अच्छी अर्निंग दे जाता है। दोस्तों, इसके अलावा मैं YouTube पे आता हूँ लाइव एवरी संडे और महीने में एक संडे को मैं आप लोगों को देता हूँ एक एश्योर्ड गिफ्ट। जी हाँ, जितने लोग उस सेशन को अटेंड करेंगे उनको मिलता है मेरी तरफ से एक एश्योर्ड गिफ्ट, जिसमें एक होस्टिंग भी हो सकती है, कोई कोर्स हो सकता है, कोई पेड थीम या कोई एक प्लगइन टूल हो सकता है, जिससे आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी को और आगे ले जा सकते हैं, उसको और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी मुझसे कोई और क्वेरी है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। मैं रोज 9 से 10 टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे लाइव आता हूं और जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके, जो भी क्वेरीज आती हैं उनको आंसर करने की कोशिश करता हूँ। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं ये अनोखा तरीका, एक ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर बल्क में ट्रैफिक आता है और आपको कुछ भी नहीं करना है, जो स्टेप्स मैं बताऊंगा बस उसको आप फॉलो करते जाइए और आप रिजल्ट देखिए। तो फ्रेंड्स, जो तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगेन उस तरीके को स्टार्ट करने से पहले, उस वेबसाइट के बारे में बताने से पहले, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको उसके लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा एक एफिलिएट प्रोडक्ट। अगर आपने मेरे पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। उन वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया है कि एफिलिएट प्रोडक्ट किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, ऑल्दो आज भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज के तरीके के अंदर अगेन हम यूज करेंगे क्लिक बैंक को। क्लिक बैंक एक एफिलिएट प्लेटफॉर्म है, वहां से एक प्रोडक्ट हम चूज करेंगे। ऑल्दो अगर आपको क्लिक बैंक का अप्रूवल नहीं मिलता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि क्लिक बैंक के अलावा भी ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे सेम या सिमिलर प्रोडक्ट्स आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि आपको चाहिए सिर्फ एक एफिलिएट लिंक इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के लिए। जरूरी नहीं है कि वो क्लिक बैंक से ही हो, आप डिजिस्टोर 24 का यूज कर सकते हैं, आप JVZoo में बना सकते हैं या फिर आप वॉरियर प्लस में बना सकते हैं। इसके अलावा भी और प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे, तो आप उनमें से किसी से भी रजिस्ट्रेशन करके एक प्रोडक्ट ले सकते हैं। और जो बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा, जो सबसे ज्यादा वर्केबल नीच होते हैं वो है ऑनलाइन अर्निंग या मनी मेकिंग ऑनलाइन, उसके अलावा होता है हेल्थ और रिलेशनशिप। तो इनमें से कोई भी आप एक नीश को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट ढूंढ करके और उसके ऊपर ये स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मेरे क्लिक बैंक के डैशबोर्ड पे और वहां हम देखते हैं एक प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ एक प्रोडक्ट रिलेटेड टू ऑनलाइन मनी मेकिंग यानी एफिलिएट मार्केटिंग।
तो फ्रेंड्स ये है मेरा क्लिकबैंक का मार्केट प्लेस। जब आप क्लिकबैंक में रजिस्टर हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन आता है मार्केट प्लेस का। जब आप मार्केट प्लेस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका एक ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे लेफ्ट में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। क्लिकबैंक पे हर कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, बट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया आज का जो प्रोडक्ट है वो हम लेने वाले हैं ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ई बिजनेस एंड ई मार्केटिंग, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप ई बिजनेस एंड ई मार्केटिंग पे क्लिक करेंगे आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स आने लगेंगे, और ये प्रोडक्ट्स जो है आपको चूज करने हैं डिपेंडिंग ऑन कि ये क्या कमीशन आपको ऑफर कर रहे हैं, या फिर डिपेंडिंग ऑन कि इनकी क्या एक्चुअली में कोई अगर रिकरिंग इनकी बिलिंग है, यानी कि आपको उस प्रोडक्ट से आगे भी कमीशन मिल सकता है। खाली एक बार सेल होने पे नहीं, आपको आगे फ्यूचर में भी उससे अर्निंग आ सकती है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, बट मैंने आप लोगों के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है जो कि एक कोर्स है एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, और ये बहुत कमाल का कोर्स है। ये कोर्स मैंने भी किया है और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर आप पॉसिबली कर सकते हो तो इस कोर्स को जरूर करिए, क्योंकि ये कोर्स अमेजिंग है। इस कोर्स के जरिए आप बहुत आसानी से एफिलिएट मार्केटिंग में काफ़ी टॉप पे पहुंच सकते हैं। जिससे कि आप इस कोर्स को इजीली ढूंढ पाए तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दूंगा, बट आपको वो लिंक यूज नहीं करना है जहां भी आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे। उस लिंक से आप उस प्रोडक्ट को इजीली अपने क्लिकबैंक के प्लेटफॉर्म पे फाइंड आउट कर सकते हैं, और बाद में जो आपका लिंक मिलेगा जिसको कि अभी मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, उसको आपको यूज करना है। तो फ्रेंड्स इसको हम सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को अलग अलग लेवल पे, जैसे यहाँ पे ये रैंक के बेसिस पे है कि कौन से प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। इसके अलावा कन्वर्जन के बेसिस पे है, या एवरेज डॉलर, यानी कि जिनके अंदर आपको अच्छा कमीशन मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट के अंदर आपको मिल रहा है 99 लगभग 1798 डॉलर मिल रहा है एक सेल के ऊपर, बट ये प्रोडक्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोग नहीं लेंगे क्योंकि काफ़ी हाई कॉस्ट है। तो थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल डाउन कर जाएंगे तो जो प्रोडक्ट मैंने आप लोगों के लिए आज चूज़ किया है वो आ जाएगा। और गाइज ये प्रोडक्ट है सुपर एफिलिएट सिस्टम, और ये एक बहुत अच्छा एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोडक्ट है। अगर आप देखेंगे तो इसका जो कन्वर्जन है वो है, आपका जो आपको कमीशन मिलेगा वो है $651। अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ दो सेल्स भी हो जाती हैं तो आप $1,000 से ज़्यादा कमा लेंगे। तो सिर्फ दो सेल्स चाहिए गाइज, इतना बड़ा ये फिगर नहीं है, जो कि प्लेटफॉर्म में अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। उस प्लेटफॉर्म को जब आप देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि दो सेल्स अचीव करना बहुत आसान है। अगर ये दो सेल्स आप सिर्फ एक महीने में भी अचीव करते हैं तो $1,000 से ज़्यादा आप अर्न कर ले जाएंगे। तो गाइज जैसे ही आप अपने क्लिकबैंक के प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और आप इस प्रोडक्ट को सर्च कर लेंगे तो आपको चाहिए होगा एक एफिलिएट लिंक। जी हाँ, आपको यहाँ से सिर्फ चाहिए एक एफिलिएट लिंक, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। जो स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाला हूँ, तो वो एफिलिएट लिंक आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए आप सिंपल है क्लिक करेंगे प्रमोट पे। फ्रेंड्स जैसे ही आप प्रमोट पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी, और यहाँ से मिलेगा आपको अपना एफिलिएट लिंक। तो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर ये काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखा रहा है। आप सिर्फ सेलेक्ट करेंगे डिफॉल्ट ऑप्शन को, जो कि डिफॉल्ट सेलेक्टेड भी है, और नीचे दिए गए इस बटन पे क्लिक कर देंगे जनरेट हॉप लिंक्स। आप देख पा रहे होंगे जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक किया नीचे एक लिंक आ गया है, और ये लिंक आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इस लिंक को कॉपी करके आप एक नोटपैड की फाइल में सेव करके रख लेंगे, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे के प्रोसेस के अंदर। तो फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं, हमें मिल गया है अपना एफिलिएट लिंक। अब नेक्स्ट बारी आती है वो प्लेटफॉर्म जिसके बारे में मैं आपको बताना जा रहा हूँ, और ये प्लेटफॉर्म बहुत अमेजिंग है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इस प्लेटफॉर्म पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक आता है। तो फ्रेंड्स ये प्लेटफॉर्म है स्लाइड शेयर। जी हाँ, ये स्लाइड शेयर एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे PDF फाइल्स मिलती हैं, जो कि PDF स्लाइड्स होती हैं, वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं कंटेंट सर्च करने के लिए। तो गाइस स्लाइड शेयर पे लॉगिन करना बहुत आसान है। इसके अंदर ये दो ऑप्शंस देता है, पहला ऑप्शन है लिंक्डइन और दूसरा ऑप्शन है फेसबुक। ऑल्दो फेसबुक मैंने ट्राई किया था तो फेसबुक के अंदर ये कुछ एरर दे रहा था, तो मैं आपको इसमें यही सजेस्ट करूंगा कि आप लिंक्डइन से लॉगिन करें। और अगर आपका लिंक्डइन में प्रोफाइल नहीं है,
अगेन वो बहुत आसानी से आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। linkedin.com पे जाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट अपना प्रोफाइल अपने ईमेल आईडी से रजिस्टर कर लें। इससे ज़्यादा उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम क्रेडेंशियल्स को यूज़ करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। अगर आप देख पा रहे हैं ये डैशबोर्ड है, और जो मैंने आप लोगों से कहा था कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो ये चीज़ यहाँ पे प्रूव होती है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे टॉप पे कुछ स्लाइड्स हैं, टुडेज टॉप स्लाइड शेयर्स में, तो आप देख रहे हैं इसके अंदर कितने व्यूज़ हैं। इसके अंदर 9 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं, इसके अंदर 4 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ सी ऑल पे, फ्रेंड्स आप देखेंगे ये 6 मिनट पहले डाला गया है ये स्लाइड, और इसके ऊपर 27 लाख से भी ज्यादा व्यूज हैं। और 6 मिनट पहले ये स्लाइड डाला गया है, इसके ऊपर 57 लाख से भी ज्यादा व्यूज हैं। इसी तरह से इसके ऊपर अभी काफी व्यूज हैं। तो आप देखेंगे 1 साल पहले ये डाला गया था, इसके ऊपर भी काफी सारे व्यूज हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी चीज आप क्रिएट करेंगे, जो स्लाइड आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, वो इमीडिएटली नहीं बल्कि वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देता रहेगा। क्योंकि अगर 1 साल पहले डाला हुआ स्लाइड भी यहाँ पे टॉप पे आ रहा है, दैट मीन्स आपका स्लाइड भी कभी ना कभी एक लेवल पे आएगा और उसके ऊपर क्लिक्स आते रहेंगे और आपको उससे रिकरिंग सेल्स मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स अब इसके ऊपर हम जानेंगे वो तरीका जिससे कि आप इस स्लाइड को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कैसे आप ये स्लाइड लेके आएंगे, कैसे आप ये कंटेंट बनाएंगे। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये स्लाइड और कंटेंट बनाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको एक और ऐसा फ्री तरीका बताऊंगा जहां से आपको बहुत आसानी से ये कंटेंट मिल जाएगा, उसके बाद आपको उसको यहाँ पे ऐड कर देना है विद योर एफिलिएट लिंक। तो आगे के स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस मत करिएगा। फ्रेंड्स अगर इसके अंदर से आप ये मान लीजिए कि जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि अगर 1% भी लोग आपके स्लाइड को क्लिक कर लेते हैं, तो आप ये समझिए कितना बड़ा वॉल्यूम आपके स्लाइड को क्लिक करेगा। और उसके अंदर से अगर सिर्फ दो लोग भी अगर उसके अंदर से उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, तो आपके $1200 से ज़्यादा बन जाएंगे। तो क्या आपको लग रहा है ये मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आगे जो मैं प्रोसेस आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं वो भी बहुत आसान है। तो अब हमें चाहिए गाइस एक स्लाइड, और उस स्लाइड को कैसे हमें डालना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो स्लाइड के लिए आपको सिंपल है, गूगल पे जाना है और गूगल पे आपको टाइप करना है फ्री PLR, डाउनलोड्स भी कर सकते हैं, फ्री PLR ईबुक्स होती हैं, तो आप फ्री PLR डाउनलोड्स भी अगर करेंगे, ईबुक्स भी करेंगे, तो इस तरह से ये लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और सिंपल है, आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे इस तरह से ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिलती हैं कॉपीराइट फ्री ईबुक्स जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके अंदर आप अपना एफिलिएट लिंक भी ऐड कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एफिलिएट लिंक आप उस बनी हुई ईबुक में कैसे ऐड करेंगे, तो उसका भी तरीका मेरे पास है, वो भी मैं आपको जल्दी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम एक प्रॉपर ईबुक सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है, इसीलिए हम ईबुक भी सेलेक्ट करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, जिससे कि एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड लोग उस ईबुक को पढ़ें तो वो ही इंटरेस्टेड होंगे उस प्रोडक्ट पे क्लिक करके उस प्रोडक्ट को परचेज करने में। तो यहाँ पे आप लेफ्ट पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कैटेगरी। कैटेगरी में मैं सेलेक्ट करता हूँ ईबुक और यहाँ पे मैं डालता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग। फ्रेंड्स जैसे ही मैंने यहाँ एफिलिएट मार्केटिंग डाला, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी सारी ईबुक्स आ गई हैं। तो इसमें से हमें देखना होगी कौन सी ईबुक हम यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ईबुक्स काफ़ी हैं, इसको आपको सर्च करना पड़ेगा, बट मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा और अभी के इस प्रोडक्ट के हिसाब से ये ईबुक अच्छी रहेगी। और इस ईबुक पे हम क्लिक करके देख लेते हैं, क्योंकि ये कह रही है एफिलिएट मार्केटिंग A to Z, तो इस ईबुक को वो लोग भी एक्चुअली पढ़ना चाहेंगे जो बिगिनर्स हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। तो गाइस ये ईबुक ओपन हो गई है, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ जगह जगह इन्होंने डाउनलोड दे रखे हैं, तो ये एड्स हैं, यहाँ पे आपको डाउनलोड नहीं करना है। आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से डाउनलोड बटन आपका आ जाएगा। तो इस डाउनलोड बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी ईबुक डाउनलोड हो जाएगी, और ईबुक आपकी डाउनलोड होगी एक जिप फाइल में, क्योंकि इस ईबुक के साथ ये काफ़ी सारा और रिसोर्स देते हैं,
जिससे कि अगर आपको ये ईबुक किसी और पर्पस के लिए यूज करनी है, आपको इसको कोई एक एड कैंपेन चलाना है उसके अंदर आपको इसको कॉल टू एक्शन की तरह यूज करना है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड ये आपको काफी इमेजेस वगैरह, इसके होम पेज की इमेज, ये सारी चीजें भी देते हैं, बट वो हमारे नीड की नहीं है। तो जो zip फाइल डाउनलोड होके आएगी उसको आप एक्सट्रैक्ट करके उसके अंदर आपको शुरुआत में एक पीडीएफ फाइल मिलेगी जो कि ये ईबुक है। तो उस ईबुक की जो पीडीएफ फाइल है उसको आपको यूज करना है आगे के प्रोसेस के लिए। वही फाइल होगी जो आपका कंटेंट बनेगा, जिसको हम ऐड करेंगे जाके स्लाइड शेयर में। उसका भी मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा, वो बहुत ध्यान से देखने वाला है। तो सिर्फ उस ईबुक को ले जाकर के स्लाइड शेयर पे अपलोड कर देने से काम नहीं चलेगा। स्लाइड शेयर में जाकर के कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, कुछ चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, उसके बेसिस पे ही आप बहुत आसानी से उसके ऊपर व्यूज हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ ऐसे ही जाकर के ईबुक अपलोड कर देंगे तो उससे आपके पास व्यूज नहीं आएंगे, तो ये भी हम देखेंगे बट स्टेप बाय स्टेप। तो पहली चीज थी ईबुक, ईबुक हमें मिल चुकी है, हमें कंटेंट मिल चुका है, तो आपको कंटेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो ईबुक आपकी डाउनलोड हुई है उसको हमें एडिट करना है, और उसको एडिट करके हमें अपना एफिलिएट लिंक ऐड करना है, क्योंकि अगर हम अपना एफिलिएट लिंक ही नहीं ऐड करेंगे उस ईबुक के अंदर तो हमारा जो सारा प्रोसेस है, जो चीजें हम करने जा रहे हैं वो हमारी सारी फेल हो जाएंगी। क्योंकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग से सेल्स हासिल करना। जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया है उस प्रोडक्ट पे जो भी उस ईबुक को पढ़े, जो कि उसके नीश का ईबुक है, उसके नीश का ही प्रोडक्ट है, तो वो उस लिंक पे क्लिक करे, और जो भी लोग उस लिंक पे क्लिक करें उसमें से कुछ लोग उसको बाय करें। तो अब आपको इस पीडीएफ को एडिट करने के लिए एक और वेबसाइट है जिसको आपको ओपन करना होगा, और उसका नाम है, आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हैं, ऑल्दो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपके लिए शेयर कर दूंगा, पीडीएफ एस्केप करके अगर आप सर्च करेंगे तो पीडीएफ एस्केप एक ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी ईबुक को इजीली एडिट कर सकते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने गूगल से इसको सर्च किया और यहाँ पे ओपन हो गया है ये प्लेटफॉर्म। इसके अंदर आपको साइन अप करने की भी जरूरत नहीं है, आप इसका फ्री ऑनलाइन ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ऑल्दो इसका डेस्कटॉप वर्जन भी है। तो गाइज जैसे ही आप इसका फ्री ऑनलाइन वर्जन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जो ऑप्शन यूज करना है वो है अपलोड पीडीएफ टू पीडीएफ एस्केप। यहां से हम अपनी डाउनलोडेड पीडीएफ फाइल को चूज कर लेंगे। आप देख रहे हैं ये फाइल अपलोड हो रही है, और फ्रेंड्स ये अभी आपको दिखेगी, जो ईबुक हमने अभी देखी थी फ्री पीएलआर से, वही ईबुक यहाँ पे आपको नजर आ रही है। तो गाइज ये आपका कंटेंट है। अब इसके अंदर हमें जो मॉडिफिकेशन करना है वो हमें करना है एक एफिलिएट लिंक करना है ऐड, और मैं आपको इसमें ये रिकमेंड करूंगा, जैसे ये ईबुक है 32 पेजेस की और आप हर 3 पेज के बाद लगभग अपना एफिलिएट लिंक कुछ टेक्स्ट के साथ यहाँ पे ऐड कर दीजिए। बट ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे रैंडमली मत करिएगा, जैसे यहाँ पे ये एक सेंटेंस खत्म हो रहा है, इज दैट सक्सेस लूमिंग इन द डिस्टेंस और व्हाट, इसके बाद आप एक अपना यहाँ पे ऐड कर देंगे, जस्ट लाइक जैसे आप अपना ऐड देते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, उस तरह से आप यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करेंगे और उसके अंदर लिंक देंगे। तो टेक्स्ट ऐड करना बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट का लेफ्ट में, मैं टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, तो इसके बाद मैं अब यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ फ्रेंड्स। तो कुछ टेक्स्ट इसके लिए आप पहले से चाहे तो पहले से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रियल टाइम पे लिख देता हूं, तो ये जो आप टेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे ये थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि कोई भी जना इसके ऊपर क्लिक करे तो इसके अंदर आपको कुछ बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं बतानी। जैसे मैं लिख रहा हूं क्लिक हेयर टू नो द सीक्रेट मेथड, ये टेक्स्ट जैसे आपने लिखा, इसके बाद आपको यहाँ पे इसको फॉर्मेट करना है क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो हमें थोड़ा सा इसको बोल्ड रखना है जिससे कि यूजर को ये प्रॉपरली दिखे। आप इसकी सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यहाँ से, आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, तो कलर हम इसका रेड कर देते हैं।
अब हमें ऐड करना है अपना एफिलिएट लिंक। जो एफिलिएट लिंक हमने नोटपैड की फाइल में सेव किया था, उस एफिलिएट लिंक को हम कॉपी कर लेंगे और उस एफिलिएट लिंक को आकर के हम इस टेक्स्ट में ऐड करेंगे। तो आपको इस टेक्स्ट को इस तरह से सेलेक्ट रखना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आ रहा है, तो लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है, इस टेक्स्ट को कंप्लीट, और आपका एक विंडो ओपन हो जाएगा। तो विंडो के अंदर आपको, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये विंडो ओपन हो गया है। इसके अंदर मैंने अपना एफिलिएट लिंक पेस्ट कर दिया है और हम इसको कर देंगे ओके। तो फ्रेंड, इस तरह से आप थोड़े थोड़े डिफरेंस पे, कुछ पेजेस पे, जैसा भी, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा ई बुक को, आप इसको जगह जगह ऐड कर दीजिए। आप चाहें तो इसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, आप इसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी को ऐड कर सकते हैं, जिससे कि ये जो लिंक है, ये जो टेक्स्ट है, ये कुछ ऐसा दिखे कि कोई भी इसके ऊपर ज़रूर क्लिक करे। इसके बाद आपको करना है यहाँ से सेव। आप देख पा रहे हैं यहाँ लेफ्ट में सेव का ऑप्शन है और ये हमारी ई बुक सेव हो गई है, एडिट भी हो गई है। इसके बाद हम इसको कर लेंगे डाउनलोड। सेव के नीचे ही आपको ये ग्रीन बटन दिए गए हैं, ये डाउनलोड का बटन है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ हमारी अगेन डाउनलोड हो जाएगी हमारे कंप्यूटर पे। तो फ्रेंड्स, अब हमारी पीडीएफ यानी हमारा कंटेंट तैयार है और इसी कंटेंट को यूज़ करके हमें अपने स्लाइड शेयर के ऊपर आगे अपना फाइनल स्टेप कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद वो स्लाइड रेडी हो जाएगी आपके लिए अर्निंग के लिए। बट उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि स्लाइड शेयर पे ट्रैफिक कितना है, क्योंकि शुरुआत में मैंने आप लोगों को दिखाया कि स्लाइड शेयर पे जो स्लाइड्स हैं उसके ऊपर लैक्स में व्यूज हैं। 6 मिनट पहले के डाली हुई स्लाइड के ऊपर भी लैक्स में व्यूज हैं। बट अगर आप उसका ट्रैफिक देखना चाहते हैं तो एक और प्लेटफॉर्म है, जो कि मैं पहले भी आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ अपने वीडियोज में, उसका नाम है similarweb.com। उसके ऊपर जाकर के आप इसका ट्रैफिक देख सकते हैं। तो जैसे ये मेरा ओपन हो गया है स्लाइड शेयर सिमिलर वेब पे, तो आप देख पा रहे हैं ये इसकी रैंक इंडिया में और ग्लोबल रैंक बहुत ज़बरदस्त है और इसके ऊपर ट्रैफिक, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक है, 108 मिलियन का ट्रैफिक है गाइस इसके अंदर। और ये चीज़ आप ऑलरेडी समझ ही चुके होंगे, स्लाइड जो उसके ऊपर देख रही थी 6 मिनट पहले डाली हुई स्लाइड के ऊपर 57 लाख के व्यूज़ थे। तो वो उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी वेबसाइट पे हो सकते हैं जिसके ऊपर इस लेवल का ट्रैफिक हो। तो गाइज, ये चीज़ कंफर्म है कि ये एक ऐसी साइट है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और इस ट्रैफिक में से 1% लोग भी अगर आपकी स्लाइड पे क्लिक कर देंगे तो आप बहुत आसानी से 2 सेल्स कर ले जाएंगे और जो प्रोडक्ट अभी हमने डिस्कस किया था उसके ज़रिए आप $1200 यानी आप $1000 से ज़्यादा बड़ी आसानी से कमा लेंगे। तो आइए चलते हैं स्लाइड शेयर पे और जो हमारी ईबुक तैयार हो गई है उसको किस तरह से आपको अपलोड करना है उसका तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फ्रेंड, जैसे ही आप इस पर रजिस्टर करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप टॉप पे देखेंगे तो ऑप्शन दिखा रहा है अपलोड का, और अपलोड के अंदर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे ये कह रहा है सेलेक्ट फाइल्स टू अपलोड। तो अगेन जो फाइल हमारी डाउनलोड हुई है उसको हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो अब ये हमारी फाइल अपलोड हो रही है। इसके बाद जो आपको स्टेप्स लेने हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज़ है टाइटल। तो टाइटल गाइस इन्होंने अपने आप ले लिया है एफिलिएट मार्केटिंग की जो ये ईबुक है इससे। तो टाइटल आप चाहें तो इसका थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो टाइटल हम चाहें तो जो हमने प्रोडक्ट लिया था उस प्रोडक्ट से भी हम कंटेंट उठा सकते हैं, अदरवाइज आप खुद से इसके ऊपर लिखना चाहें तो आप खुद से भी इसके अंदर लिख सकते हैं। और अगर आप इस टाइटल को एज इट इज भी छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, ऑल्दो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें थोड़ा सा चेंज करें। तो जैसे मैंने इसमें डाल दिया फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस, तो इससे हर एक के लिए इजी हो जाता है उस चीज को समझना। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है डिस्क्रिप्शन। आप सोच रहे होंगे डिस्क्रिप्शन कहां से लाया जाए, तो डिस्क्रिप्शन अगेन इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। आप अगेन उसी ईबुक पे जाएंगे और ईबुक से कुछ कंटेंट स्टार्टिंग से आप कॉपी कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो हम ईबुक को एक सेपरेट प्लेट उस पर ओपन कर लेते हैं ब्राउजर में और उस ईबुक से हम ये कंटेंट कॉपी कर लेते हैं।
इस कंटेंट को अगर थोड़ा सा ठीक से पढ़ लेंगे, अगर आप इसको थोड़ा सा कुछ से मॉडिफाई कर लेंगे तो और बेहतर हो जाएगा, अदरवाइज आप इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ही जाती है कैटेगरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी आप सही सेलेक्ट करेंगे तभी लोग इसको इजीली सर्च कर पाएंगे। तो हम कैटेगरी इसके अंदर, क्योंकि हमारी अर्निंग से रिलेटेड है तो इसके अंदर हम देखते हैं हमारी क्या क्या कैटेगरीज उसके लिए एप्लीकेबल है। तो कैटेगरी में इसके अंदर हम इंटरनेट सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा ऐसी कोई कैटेगरी नहीं नज़र आ रही है जो अर्निंग से रिलेटेड हो। जो भी जना इसके ऊपर अर्निंग से रिलेटेड आएगा वो इंटरनेट कैटेगरी पे जाएगा। ऑल दो खाली कैटेगरी से इसके ऊपर लोग सर्च नहीं करते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टैग्स, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था कि टैग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टैग्स आपके सही डले हुए हैं तब आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हासिल कर पाएंगे। आप देख पा रहे हैं जो मैंने कंटेंट डाला है उसके बेसिस पे ये डिलीवरी स्कोर जो है हमारा यहाँ ग्रीन हो गया और आगे बढ़ गया है। और ज्यादा से ज्यादा टैग्स आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए, बट रिलेवेंट टैग्स ऐड करिएगा। आपको ये कुछ सजेशंस भी देगा, जैसे यहाँ पे आप कुछ टाइप करेंगे एक बार तो ये सजेशन देगा। जैसे हमने मनी डाला तो यहाँ बता रहा है मेक मनी ऑनलाइन। कुछ आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सजेशन से आप डालेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये कुछ टैग्स मैंने रेलेवेंट डाले हैं और ये ग्रीन बार हमारी पूरी जो है कवर हो गई है। दैट मींस कि अब हमारी ये स्लाइड अपलोड के लिए तैयार है। और यही थे वो स्टेप्स जो मैं आप लोगों से कहना चाहता था, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली टैग्स डालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको आसानी से व्यू करेंगे। और आपको करना है पब्लिश। तो फ्रेंड्स ये पब्लिश हो गई है और ये आप देख रहे हैं ये इस तरह से यहाँ पे आ गई है। इसके बाद इसके ऊपर लोग जो है व्यूज आने शुरू होंगे आपके। और जब कोई भी इस ईबुक पे क्लिक करेगा, जो कि डेफिनेटली करेगा, जब इस ईबुक पे वो आएगा उसको पढ़ने के लिए, तो आपने जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे क्लिक भी करेगा। और उस लिंक पे क्लिक करने पे जो लोग एक्चुअली में स्पेंड करना चाह रहे होंगे, एक्चुअली में इस चीज को अप्लाई करना चाह रहे होंगे, वो उस प्रोडक्ट को डेफिनेटली लेंगे। और फिर आपकी होगी कन्वर्जन, जो कि कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सेल्स में और आप अर्न कर लेंगे $1,000 से भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ दो सेल्स से। तो अगर इसके ऊपर और ज्यादा सेल्स होती है तो डेफिनेटली आप और ज्यादा इसके अंदर अर्न कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था वो तरीका जिसमें आप बहुत आसानी से बिना किसी वेबसाइट के, बिना किसी स्किल के, बिना किसी पेड टूल के अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको चाहिए एक एफिलिएट लिंक और आपको चाहिए कंटेंट और जो प्लेटफॉर्म मैंने आप लोगों को बताया था जिसमें आप उस लिंक को उस PDF के जरिए ऐड करेंगे और आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए जिससे कि उनका भी बेनिफिट हो पाए। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे तरीके आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ रिलेटेड टू ऑनलाइन अर्निंग, एफिलिएट मार्केटिंग, जिससे कि आप उनको अप्लाई करें और अपनी ऑनलाइन अर्निंग को सक्सेसफुल बनाएं, एक पैसिव अर्निंग सोर्स डेवलप करें और एक परमानेंट अर्निंग सोर्स भी डेवलप करें। खाली फ्री तरीके ही नहीं, मैं आप लोगों के लिए पेड तरीके और जो प्रोफेशनल और अच्छे बेहतर तरीके होते हैं उसके लिए भी एक सीरीज जल्दी ही लेके आऊँगा। बट तब तक आप इन फ्री तरीकों को अप्लाई करिए और अपनी अर्निंग बढ़ाइए जिससे कि आप पेड टूल्स ले पाएं, एक बढ़िया एक्सपेंसिव होस्टिंग ले पाएं और अपने आगे की एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को सक्सेसफुल बना पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।